बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम इमरान शहबाज है, मैं HSEQ कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमांड वर्ड्स के हवाले से है। निबॉश सर्टिफिकेट लेवल पे जो कमांड वर्ड या एक्शन वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से पास आउट कर सकते हैं। और अगर आपकी कमांड वर्ड्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको नहीं पता कि किस कमांड वर्ड के अगेंस्ट आंसर किस तरह से राइट डाउन आपने करना है अपने सर्टिफिकेट लेवल में, तो यू विल नॉट बी पासिंग योर एग्जामिनेशन। सो आज हमारी टोटली जो डिस्कशन है वो सर्टिफिकेट लेवल कमांड वर्ड पे होगी, जो लेटेस्ट गाइड निबॉश ने इंट्रोड्यूस कराई है अप्रैल 2017, उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं जो आपको मदद दे रही होगी अंडरस्टैंडिंग में कि आपने आंसर को किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, और उसकी बेसिस पे आप अपना सर्टिफिकेट लेवल एग्जामिनेशन, चाहे वो निबॉश IGC है, चाहे वो निबॉश IFC है, चाहे ICC है, चाहे NGC है, वो आप पास आउट कर सकेंगे ईजीली। सो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कमांड वर्ड रिक्वायरमेंट एंड देन पासिंग योर एग्जामिनेशन अप टू सर्टिफिकेट लेवल। सो लेट स्टार्ट विद द कमांड वर्ड गाइड प्रैक्टिकली। और इसमें अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि कमांड वर्ड के हवाले से यहाँ पे निबॉश कमांड वर्ड version 4 April 2017 बताया गया है। सो जब हम बात करते हैं कमांड वर्ड की, तो मेजर कमांड वर्ड जो हैं वो 5 बताई गई हैं निबॉश की तरफ से सर्टिफिकेट लेवल के लिए। उसमें सबसे पहली कमांड वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई है। आइडेंटिफाई में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि जी आपसे जो चीज़ पूछी जाए आपने सिर्फ और सिर्फ उसका रेफरेंस देना है, रेफरेंस ऑफ दैट आइटम, और उसमें उसका नाम या उनवान हो सकता है। और इसमें आगे अगर देखेंगे नोट बाय NB, नॉर्मली एक लफ्ज़ एक फ्रेज़ सफिशेंट होगा अगर आपका रेफरेंस क्लियर है या वही चीज़ बता रहे हैं जो वो पूछ रहा है। गिव के केस के अंदर वो ये कहता है कि जी आपने शॉर्ट या फैक्चुअल आंसर देना है, हकीकत पे मबनी जो जवाब है वो देना है। और नोट बाय नॉर्मली इसमें सिंगल वर्ड फ्रेज या सेंटेंस जो है वो काफ़ी होगा आंसर के तौर पे। आउटलाइन तीसरा जो कमांड वर्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड वर्ड है एग्जामिनेशन पेपर के अंदर सर्टिफिकेट लेवल पे। इसमें वो ये कहता है कि जी आपको सबसे पहले इंडिकेट करना प्रिंसिपल फीचर क्या है या उसके डिफरेंट पार्ट क्या है, और देन उसके बाद जो है नोट बाय में वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन, एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ब्रीफ समरी उस पर्टिकुलर आस्पेक्ट की जो आपने लिखा हुआ है प्रिंसिपल फीचर में उसी के हवाले से बताना है। डिस्क्राइब के केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिटेल रिटन अकाउंट देना है, ख़ास जो फीचर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से उसके बारे में बताना है। फैक्चुअल होना चाहिए उस चीज़ को और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, किसी भी प्रोसेस मैकेनिज्म के बारे में बताए बगैर आपने उसका स्टेटमेंट जो है वो देना है। एक्सप्लेन में अगर आप देखेंगे तो वो ये कहता है कि जी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए इसमें आपने आंसर देना है और बताना है कि किस चीज़ का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है और किस तरह हो सकती है, हाउ एंड वाई इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस मैकेनिज्म फंडामेंटल उसकी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उस इक्विपमेंट का मैकेनिज्म है वो आप बता सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज। सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई में करेंगे तो आइडेंटिफाई में नेम और टाइटल है, गिव में करेंगे तो फैक्चुअल आंसर है जिसमें ज़्यादातर जो है वो मीनिंग ऑफ द टर्म या स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ जाती है या एग्जाम्पल आती है। आउटलाइन में आपका मेन फीचर और उसकी एक सेंटेंस के अंदर यूजली जो है वो आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, डिस्क्राइब के अंदर स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर आइटम के हवाले से डिटेल दे रहे हैं, और एक्सप्लेन में वाई एंड हाउ कोई चीज़ कैसे हो सकती है कैसे हो सकती है। डिस्क्राइब और एक्सप्लेन पैराग्राफ की फॉर्म में होगा जो आपने मेक श्योर करना है। जब हम बात करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई टाइप क्वेश्चन की, तो अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली आइडेंटिफाई 4 types ऑफ सेफ्टी साइंस, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि सेफ्टी साइंस कौन से होते हैं। आगे सफिशेंट आंसर जो हो सकता है इस केस में 4 marks फॉर एग्जांपल इसके जो मार्क्स हैं अवेलेबल, प्रोबेशन साइन पहला अगर आप देखेंगे दे सकते हैं, वार्निंग साइंस दे सकते हैं, मैंडेटरी साइन दे सकते हैं, एमरजेंसी और सेफ कंडीशन साइन दे सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ व्हाट एग्जामिनर इज़ लुकिंग फ्रॉम यू। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे क्योंकि आप कमांड वर्ड को मीट नहीं कर रहे होंगे। दूसरी एग्जाम्पल आइडेंटिफाई पे, आइडेंटिफाई 4 मैकेनिकल हैजर्ड एसोसिएटेड विद द मशीनरी, इसमें भी आंसर देखें तो इंटेंगलमेंट हो सकती है, इसमें भी आंसर देखेंगे तो स्टैबिंग और पंक्चर हो सकता है, फ्रिक्शन और एब्रेशन हो सकता है, ड्राइंग इन और ट्रैपिंग हो सकता है। तो सिंपली नेम और टाइटल और रेफरेंस ऑफ दैट आइटम ये आइडेंटिफाई में चाहिए। जब हम बात करते हैं आपके आउटलाइन की जो मेजर पोर्शन कवर करता है एग्जामिनेशन का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट पे आ रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे उन्होंने कहा आउटलाइन 4 types ऑफ सेफ्टी साइंस। अब
आइडेंटिफाई में हमने सिर्फ और सिर्फ जो मेन फीचर ऊपर अगर आप देखेंगे प्रोहिबिशन साइन अंडरलाइन इतना लिखा था, हाउएवर यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपने नीचे एक सेंटेंस के अंदर बताना है। फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन साइंस में देखेंगे प्रोहिबिशन साइन इंडिकेटेड फीचर है, प्रिंसिपल फीचर है, नीचे आ जाएगा सर्कुलर विद रेड बॉर्डर, रेड डायगोनल बार एंड ब्लैक सिंबल। तो ये एक सेंटेंस के अंदर आप उसके हवाले से बता सकते हैं कि प्रोहिबिशन साइन है क्या, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सिंपली इसी तरह वार्निंग साइन क्या है, ट्राइंगुलर होता है, येलो बैकग्राउंड और ब्लैक बॉर्डर और सिंबल के साथ है। मैंडेटरी साइंस क्या है जी, सर्कुलर है, दायरे में है, ब्लू और बैकग्राउंड उसका होगा, वाइट बॉर्डर और वाइट सिंबल होगा। और इसी तरह इमरजेंसी और सेफ कंडीशन साइन में रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हैं, ग्रीन बैकग्राउंड, वाइट बॉर्डर और वाइट सिंबल के साथ हैं। तो ये आपका आउटलाइन क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर इस तरह से हो सकता है। अब मशीनरी में अगर आप देखें आउटलाइन फोर मैकेनिकल हैजर्ड एसोसिएटेड विद मशीनरी, तो सफिशिएंट आंसर होगा एंटैंगलमेंट इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन एंटैंगलमेंट हो सकती है, दैट इज सफिशिएंट, ड्राइंग इन एंड ट्रैपिंग बिटवीन काउंटर रोटेशन रोलर्स और पुली बेल्ट एंड व्हील्स ऑफ मशीन हो सकता है, इसी तरह फ्रिक्शन और एब्रेशन कॉन्टैक्ट विद फास्ट मूविंग सर्फेस ऑफ मशीनरी हो सकता है, स्टैपिंग और पंक्चर फ्रॉम इजेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ मशीनरी हो सकता है। अब आपने यकीनी तौर पर ये चीज़ यकीनी बनानी है कि अगर मार्क्स जो है वो टोटल 8 उसने जो है वो मार्क्स दिए हैं, तो आप कोशिश करें कि मिनिमम जो है वो 8 आइटम्स आउटलाइन करें रादर देन के 3-4 कर दें। सो यू नीड टू मेक श्योर कि 8 डिफरेंट आइटम्स आउटलाइन करें एज पर कमांड वर्ड स्टाइल टू गेन 8 मार्क्स। जब हम बात करते हैं गिव और आइडेंटिफाई, एक में एक से ज़्यादा कमांड वर्ड भी यूज़ कर सकता है एग्जामिनर आपका। इस केस में आपको जो एग्जाम्पल देनी है वो गिव की देनी है। Identify four type of safety sign and give an example of each. ठीक है, sufficient answer ये होगा कि prohibition sign identify style name और title आ गया और उसकी example no smoking आ गई, warning sign caution और hot surface आ गया, और इसी तरह mandatory sign wear air protection आ गया, emergency और safe condition sign e.g. first aid box आ गया या assembly point भी हो सकता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आपके आइडेंटिफाई एंड गिव अगर इकट्ठे आ जाते हैं, एग्जाम्पल इकट्ठे मांग लेते हैं। कई जगहों पर वो ये भी कर देता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म हैजर्ड, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो पूछ रहा है या मीनिंग पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं हैजर्ड इज समथिंग दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ हैजर्ड। तो ये एग्जाम्पल हो सकती है गिव की। जब हम डिस्क्राइब की बात करते हैं, डिस्क्राइब द मैकेनिकल हैजर्ड एसोसिएटेड विद अ बेंच ग्राइंडर, तो आपने बेंच ग्राइंडर में जितने भी मैकेनिकल हैजर्ड हैं वो बताने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल इंटेंगलमेंट हैजर्ड वुड बी एसोसिएटेड विद रोटेटिंग स्पिंडल दैट द एब्रेसिव व्हील इज माउंटेड ऑन, के जो एब्रेसिव व्हील के ऊपर आपका रोटेटिंग स्पिंडल है उसकी वजह से आपका इंटेंगलमेंट हो सकता है, रोटेटिंग पार्ट है। इसी तरह ड्राइंग इन और ट्रैपिंग हो सकता है जो गैप में आपका हो सकता है किसी भी तरफ से। इसी तरह जो है वो आपका अगर आप देखेंगे तो स्टैबिंग और पंक्चर हो सकता है बेसिकली एब्रेसिव व्हील की वजह से, और फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स जो हैं या फ्लाइंग आइटम्स ऑब्जेक्ट्स भी आपको हिट कर सकते हैं जो स्टैबिंग और पंक्चर कर रहे होंगे। सो दिस इज टिपिकल डिस्क्राइब स्टाइल जो पैराग्राफ की फॉर्म में है। यू डोंट नीड टू गो फॉर बुलेट्स, यू डोंट नीड टू गो विद द हेडिंग्स इन दैट केस, पैराग्राफ में आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम एक्सप्लेन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेन में अगर आप देखें एक्सप्लेन हाउ सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट विद मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, सफिशेंट आंसर जो होना चाहिए आपने ये बताना है, बेसिकली रिलेशनशिप शो करना है किस तरह से सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है रोकेगा, बेसिकली रिस्क को कम करेगा, मशीनरी को रोकेगा, प्रोसेस क्या होगा, व्हाई एंड हाउ यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है जो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन को डिफ्रेंशिएट करता है, अलहदा अलहदा करता है। सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन और बॉडी पार्ट विद इन द डेंजर जोन ऑफ मशीनरी, एग्जाम्पल ऑफ साइड डिवाइस इंक्लूड प्रेशर मैट्स एंड लाइट बीम्स दैट आर कनेक्टेड टू मशीन कंट्रोल एंड वुड स्टॉप द मशीन रैपिडली शुड अ पर्सन और बॉडी पार्ट बी डिटेक्टेड। तो इसमें आप क्लियरली देखें कि सबसे पहले तो बता दिया गया कि सेंसिटिव प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो किस लिए डिज़ाइन की गई है, पर्पज़ जो है उसका वो ये है कि जी वो डिज़ाइन की गई है कि बंदे को डिटेक्ट कर सके या उसकी बॉडी को डिटेक्ट करे। आगे अगला अगर देखें तो एग्जाम्पल भी दे दिए है यहाँ पे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन सी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। उससे आगे अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने ये प्रोसेस भी बता दी है कैसे वो उसको बेसिकली रिस्क को कम करेगी, वो फौरी तौर पे मशीन की पावर को बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी, जिससे रिस्क रिड्यूस होगा। सो टोटल जो आपका जो प्रोसेस है, फंडामेंटल है, बेसिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप है, व्हाई एंड हाउ इस पूरे कमांड वर्ड में आ रहा है और ये भी पैराग्राफ में होगा। सो आई होप सो गाइस दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कमांड वर्ड्स, और इसकी बेसिस पे आप अपना सर्टिफिकेट लेवल एग्जाम पास आउट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।